जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं आपसे बात करूंगा एक प्रवेश परीक्षा के विषय में, जो कि प्रवेश परीक्षा के विषय में और एक विश्वविद्यालय के अंतर्गत आयोजित होने वाले एडमिशनों को लेकर। विश्वविद्यालय का नाम, एडमिशन का प्रोसेस, कितनी है सीटें, क्या है फीस, कब तक भर सकते हैं फॉर्म, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो में काफ़ी देर से आपको पहुंचा रहा हूं, क्योंकि अधिकांश मेरे दर्शकों तक इस विश्वविद्यालय की सूचना पहुंच चुकी है, लेकिन जो ऐसे दर्शक जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं इस विश्वविद्यालय का, उन सभी के लिए सूचना। पहली चीज़, विश्वविद्यालय का नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश। आपने सही सुना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ, इसकी मैं करने वाला हूँ आपसे बात। बीए से लेकर पीएचडी तक सभी विषयों के फॉर्म निकले हैं इसके अंतर्गत, और इसकी जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की वह है 10 जुलाई 2020 मध्यरात्रि 12 बजे तक। इस बात का ध्यान रखिएगा। एंट्रेंस की फीस सीधा और सरल भाषा में, वीडियो बहुत छोटा सा बनाऊंगा क्योंकि और वीडियो अपलोड करने हैं मुझे रात्रि में। 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, याद रखिएगा ध्यान से। बीए हो, एमए हो, एमफिल हो, पीएचडी हो, बीएड हो, लॉ हो, जिस किसी भी कोर्स में आपको फॉर्म भरना है उसकी लास्ट डेट है 10 जुलाई 2020 रखी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ आपको लिंक दिए हैं, वेबसाइट का लिंक दिया है, एडमिशन का लिंक दिया है, प्रोस्पेक्टर का लिंक दिया है, और रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसका लिंक दिया है, और वेबसाइट का भी लिंक दिया है। इन सभी लिंकों पर जाइएगा, सूचनाओं को ध्यान से पढ़िएगा, रीड करिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा, अपने कोर्स के लिए आवेदन कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 115 सेंटर बनाए हैं विश्वविद्यालय ने, और ये 115 सेंटर इसीलिए बनाए हैं, इन 115 सेंटरों में से आपको किसी एक का चयन करना है जहां आपकी प्रवेश परीक्षा होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कि 115 सेंटरों पर पूरे भारत में विश्वविद्यालय ने अलग अलग सेंटर बनाए हैं प्रवेश परीक्षा के लिए। अब मैं आपसे थोड़ा बात करता हूँ सीट्स को लेकर, कि किस कोर्स में कितनी सीटें हैं यह बताना संभव नहीं है, लेकिन मोटा मोटा समझ लीजिए कि एमफिल विषय में यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो लगभग 7 से 8 विषयों में एमफिल की सीटें निकली हैं, और उन 7 से 8 विषयों में जो एमफिल की सीटें निकली हैं उनकी संख्या लगभग 84 है। हिस्ट्री में बात करी जाए तो हिस्ट्री में लगभग 8 सीटें हैं, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में 11 सीट हैं, मैनेजमेंट में 11 सीट हैं, फिजिक्स में 10, स्टैटिक्स में 5, हिंदी में 6, इकोनॉमिक्स में 6, एजुकेशन 12, मास कम्युनिकेशन 12, एंड सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र में 12। ये सभी सीटें एमफिल कोर्स के लिए निकली हैं। अब इन कोर्स में कुछ कुछ कोटा डिवाइडेड है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी में, जिसको शॉर्ट में BBAU बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बोला जाता है, जितनी भी सीट निकलती हैं उसमें से 50% सीटें आरक्षित अर्थात रिजर्व होती हैं SC और ST वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। वो बॉयज़ भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, लेकिन किस, जैसे मान लीजिए किसी में 10 सीटें निकली हैं, फॉर द एग्जांपल फिजिक्स की बात करते हैं, यदि 10 सीटें निकली हैं तो 10 सीटों में से लगभग 3 से 4 सीटें SC की रहेंगी, और 3 से 4 सीटें ही जनरल की रहेंगी, और कुछ सीटें और डिवाइड हो जाती हैं OBC में, फिजिकल हैंडीकैप में, उस के अंदर, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर किसी कोर्स में 5 सीटें निकली हैं तो जो अनरिजर्व बच्चे हैं, जो OBC बच्चे हैं, वो 2 से 3 सीट पर ही अप्लाई करें, क्योंकि 2 से अधिकांश 2 सीटें रिजर्व होती हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। अब एक साथ मैं और बात कर लें, हाँ एक चीज़ और एमफिल के विषय में, एमफिल 2 सेमेस्टर और 4 सेमेस्टर दोनों का है। यदि कोई ऐसे विद्यार्थी अपना एमफिल जल्द जमा करना चाहते हैं तो 2 सेमेस्टर यानी कि 1 वर्ष के बाद अपना एमफिल सबमिट कर सकते हैं इस विश्वविद्यालय में, यानी कि 2 सेमेस्टरों तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके कुछ महीनों के बाद अपना एमफिल आप जमा करना चाहें तो जमा कर सकते हैं। बात करते हैं पीएचडी की। पीएचडी में लगभग 23 विषय में निकली हैं सीट्स, और लगभग इन सीट की संख्या है 100 सीट निकली है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिसमें से जो जनरल कैटेगरी की हैं वे 28 सीटें हैं, एससी कैटेगरी की 45 सीटें हैं, एससी कैटेगरी की और सॉरी एसटी की, एससी की 45 हैं, एसटी की 10 हैं, और जो ईडब्ल्यूएस हैं, ईडब्ल्यूएस की 17 सीटें हैं, ओबीसी की कोई सीट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन ओबीसी वाले बच्चे जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत से जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं जो जनरल ही होते हैं या ओबीसी भी होते हैं, वह भी ईडब्ल्यूएस में फाइट कर जाते हैं, इसीलिए लगभग 17 सीटें वो भी हैं जिसमें ओबीसी जनरल अप्लाई कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोर्स की संख्या ज़्यादा है, 23 कोर्सेज हैं, तो सीटों की संख्या यदि मैं बताऊँगा तो उसमें समय लगेगा।
फीस जैसा कि मैंने आपको बताई, जनरल और ओबीसी बच्चों के लिए 1000 रुपये की प्रवेश परीक्षा की फीस रखी गई है और एससी के लिए एसटी के लिए 500 रुपये की फीस रखी गई है। एक कोर्स की फीस है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज़, जब आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है ना, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपसे टीसी का, यानी कि टीसी का, डिग्री का, माइग्रेशन का और अदर सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे। मान लीजिए कि 10 जुलाई इसकी अंतिम डेट है, अगस्त के माह में इसका आपका एडमिशन हो जाता है तो सितंबर की 30 तारीख तक, यानी कि 30 सितंबर तक आपको अपने जो दस्तावेज हैं वह जमा करने होंगे जिस मान लीजिए आपने बीए किस विश्वविद्यालय से किया है, एमए आप लखनऊ विश्वविद्यालय से करना चाहते हो, बीए से पास होने का प्रमाण पत्र, उसका माइग्रेशन, बोनोफाइड, मार्कशीट, ये सब आपको एमए अगर इस विश्वविद्यालय में लेना है या कोई भी डिग्री कोर्स करना है तो 30 सितंबर 2020 तक आपको अपने सभी दस्तावेजों को जमा करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा, इस बात को भी ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है, क्या उसके स्टेप हैं, उसके लिए मैंने आपको प्रोस्पेक्टर का लिंक दिया है। उस प्रोस्पेक्टर में स्टेप बाय स्टेप, ध्यान रखिएगा, प्रोस्पेक्टर में स्टेप बाय स्टेप पेज नंबर 25 से लेकर, जी हाँ, पेज नंबर 25 से लेकर 29 के बीच में सभी स्टेप को समझाया गया है फोटोग्राफ के साथ में। तो आपको किसी भी स्टेप को कोई समस्या नहीं होगी, कोई फॉर्म में दिक्कत नहीं आएगी। और जो सिलेबस की बात है कि सिलेबस क्या रहेगा एमफिल और पीएचडी के लिए, जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, उनका जो सब्जेक्ट का पेपर होता है 80 से 90% सिलेबस वही होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं, अगर वो मास्टर्स का सिलेबस अच्छे से पढ़े हैं तो कोई समस्या नहीं होगी एंट्रेंस को निकालने के लिए। और एंट्रेंस का जो पैटर्न रहेगा वो एमसीक्यू मोड में रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा, लगभग 100 या 150 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिसमें से 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे और 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोलॉजी के होंगे। यूजी और पीजी पर अप्लाई नहीं होगा ये फॉर्मेट, याद रखिएगा। ये फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया ये रिसर्च कैटेगरीज के फॉर्म के लिए और डिग्री के लिए अप्लीकेबल होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रोस्पेक्टर में ही आपको एक और लिस्ट दी गई है पेज नंबर 37 से लेकर 40 के बीच में, उसमें दी गई है अलाइड सब्जेक्ट की लिस्ट। मान लीजिए आप पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं इतिहास विभाग में, लेकिन आपका एमए या एमफिल नहीं है इतिहास में, तो किन किन विषयों के विद्यार्थी इतिहास से पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, तो उन अदर विषय को अलाइड सब्जेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के रूप में उन सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं आपको बता ही देता हूँ एक सब्जेक्ट, जैसे कि आपको ह्यूमन डेवलपमेंट में आपको काम करना है तो आपका तो उसमें मास्टर्स नहीं है, तो उसके लिए आपको अलाइड सब्जेक्ट दिया गया है। जैसे कि आपका यदि न्यूट्रिशन में एमए एमफिल है, पब्लिक हेल्थ में एमए एमफिल है, एजुकेशन में एमफिल है, होम साइंस है, फूड एंड न्यूट्रिशन में, फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट में, इन सब्जेक्ट में यदि आपका एमए या एमफिल है तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज़ में भी पीएचडी कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको इतिहास के विषय में बताया, आपको इतिहास से करना है पीएचडी लेकिन इतिहास में नहीं है आपका एमए एमफिल, ठीक, तो आप इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी, यानी कि अभिलेख बोलते हैं, इन विषयों में यदि आपने एमए या एमफिल किया है तो पीएचडी के लिए एलिजिबल है। फॉर्म भरने के लिए आपका एंट्रेंस भी होगा, क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू भी होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, अभी तक विश्वविद्यालय ने स्पष्ट नहीं किया है कि जिन लोगों का नेट, जेआरएफ या एमफिल है उनको एग्जामटेड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट, प्रोस्पेक्टर को बारीकी से पढ़िएगा, दिए गए हेल्प नंबर पर बात कीजिएगा, ईमेल से संपर्क कीजिएगा और लखनऊ विश्वविद्यालय के फॉर्म को जल्द से जल्द भरें। दो दिन आपके पास शेष हैं, लगभग 36 से 40 घंटे ही मानिएगा अपने पास, क्योंकि अंतिम के 7 से 8 घंटे बहुत क्रूशियल होते हैं किसी भी फॉर्म को भरने के लिए, किसी भी वेबसाइट को प्रॉपर काम करने के लिए और शैक्षणिक संस्थान को तैयारी के लिए। तो लगभग 40 से 36 घंटों में अपना एमफिल, पीएचडी, बीए, एमए, बीएड, लॉ, एलएलबी, एलएलएम का जिसका फॉर्म भरना है भरिए। फॉर्म भरते वक्त मेरी सूचनाओं के द्वारा कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो या कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो मेरी बातों को समझने में तो कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो का वेट करिए। और कल से यानी कि 8 जुलाई 2020 से मैंने फेसबुक लाइव करना शुरू किया है, तो मेरे फेसबुक पेज पर जाइएगा और फेसबुक लाइव को सुनिएगा। मैंने पहला फेसबुक लाइव किया है
परीक्षा, प्रवेश परीक्षा और छात्रों को लेकर उस 20-22 मिनट के फेसबुक लाइव को ज़रूर सुनें। और उस फेसबुक लाइव का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, अपने फेसबुक पेज का भी लिंक दूंगा, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पर फेसबुक लाइव नहीं कर सकता हूँ। उसके कुछ बाउंडेशन हैं, कुछ नियम हैं जो मुझे फुलफ़िल करने हैं, उसके बाद उसको करूँगा। इसलिए फेसबुक लाइव मैं इसीलिए करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे कमेंट, बहुत से ऐसे जवाब आ रहे हैं प्रवेश प्रक्रियाओं को लेकर, प्रवेश परीक्षाओं को लेकर और विश्वविद्यालयों की गाइडलाइंस के लेकर। तो बहुत से बच्चे मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और लगभग 3 लड़कियां इस समय अस्पताल में हैं, मानसिक रूप से हैं, प्रताड़ित हैं। कौन कर रहा है प्रताड़ित, बताने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे ही विषयों को लेकर शिक्षा जगत के मैंने फेसबुक लाइव शुरू किया है। अगला फेसबुक लाइव कल आपको मिलेगा, उसका वेट करिएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय का फॉर्म भरें, कोई समस्या हो तो मुझसे कहें, जितना हो सकेगा मैं संभवतः से प्रयास करूँगा आपकी समस्याओं को समाधान देने का। वीडियो को आपने देखा, पसंद किया और अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप जो देना चाहें दीजिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मुझे सभी स्वीकार है। कोई भी सवाल हो मेरे किसी चैनल के वीडियो को लेकर, मेरे को लेकर, और कोई विशेष टिप्पणी करनी हो तो वह भी कर सकते हैं, पर्सनली भी कर सकते हैं, आपका स्वागत है। सार्वजनिक भी करेंगे तो भी स्वागत है। वीडियो को आपने देखा, पसंद किया, पुनः आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।